बंदरों को इंसानों का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। यह काफी इंटेलिजेंट होते हैं। आज दुनिया भर में बंदरों की करीब 280 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं में से आज हम 10 बहुत ही खूबसूरत और अनोखे बंदरों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, डस्की लिप मंकी। डस्की लिप मंकी को स्पेक्टल लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। यह दिखने में काफी अजीब लगता है। यह बंदर मलेशिया, बर्मा और थाईलैंड में पाया जाता है। नंबर 2, जापानीज मको। इस मंकी को स्नो मंकी भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसी जगह ही पाया जाता है जहां पर साल भर बर्फ होती है। यह जापान में पाए जाते हैं। नंबर 3, गिबन्स। गिबन्स बंदरों की ऐसी प्रजाति है जो खेल कूद के लिए जाने जाते हैं। यह जमीन पर हुबहू इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। गिबन्स के दोनों हाथ उसके पैरों की तुलना में लंबे होते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से एक डाल से दूसरी डाल पर जा सकते हैं। गिबन्स भारत, चाइना और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नंबर 4, द गेलाडा मंकीज। गेलाडा मंकी को गेलाडा बबून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिखने में बबून जैसा लगता है, पर यह बबून नहीं है, बल्कि यह खुद एक अलग स्पीसीज है। यह पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और घास खाते हैं। इस तरह यह घास खाने वाले बंदरों की आखिरी जीवित प्रजाति है। बंदर की यह प्रजाति बांग्लादेश, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसका जीवन काल 30 साल का होता है। नंबर 5, स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। यह दूसरे बंदरों की तरह एक डाली से दूसरी डाल पर छलांग नहीं लगाते हैं, पर अपनी पूंछ की मदद से एक डाली को पकड़कर स्विंग करके दूसरी डाल पर आगे बढ़ता है, बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह। इसीलिए इसको स्पाइडर मंकी कहा जाता है। नंबर 6, प्रोबोसिस मंकी। इसकी लंबी नाक की वजह से इसको सूंड वाला बंदर भी कहा जाता है। इसकी लंबी नाक की वजह से यह काफी अजीब दिखता है। यह बोर्नियो द्वीप में पाया जाता है। यह बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं, जो पेड़ की ऊंची डाली से पानी में छलांग लगाते हैं। नंबर 7, गोल्डन स्नबनोस्ड मंकी। यह बंदर गोल्डन कलर के होते हैं, जो मध्य और दक्षिण चीन के बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह सुनहरे रंग के होते हैं, जो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। नंबर 8, ब्लैक एंड व्हाइट कोलंबस। काले और सफेद कलर का यह बंदर बेहद ही खूबसूरत लगता है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत इसकी लंबी पूंछ होती है। इस बंदर के पूरे शरीर पर घने बाल होते हैं। जन्म के वक्त इसका रंग सफेद होता है, पर बढ़ती उम्र के साथ इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। यह केन्या में पाए जाते हैं। नंबर 9, पिग्मी मार्मोसेट। यह बंदर दुनिया का सबसे छोटा बंदर माना जाता है, क्योंकि यह आपके फिंगर जितना बड़ा होता है। इसीलिए इसको फिंगर मंकी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट 6 इंच होती है, वहीं इसका वजन 100 ग्राम के करीब होता है। पिग्मी मार्मोसेट साउथ अमेरिका के अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नंबर 10, फ्रैंकिस लंगूर। फ्रैंकिस लंगूर चाइना और वियतनाम के जंगल में पाया जाता है। यह दिखने में बेहद ही अजीब लगता है। इसका कलर ब्लैक होता है और चेहरे पर थोड़े से सफेद बाल होते हैं। तो दोस्तों, यह थे अनोखे बंदर। हो सकता है इनमें से आने वाले समय में कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है, इसलिए हम इंसानों को जंगलों का विनाश रोकना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।